डेफिनेटली फेल नहीं हो सकते। तो सिल्वर टेल्स ब्लॉक चीज की ओर से आइए अब हम आपके लिए बनाते हैं या आपको देते हैं रेसिपी चीज कॉर्न बोल्स की। इसके लिए जो सामान चाहिए वो है एक बड़ा सा आलू आपको लेना है, राइट। एक बड़ा सा आलू ले लें, एक मकई एक हो तो उसका, जैसे आप मकई के जब आप दाने निकाले तो वो एक कप हो जाए, उतना बड़ा एक मकई आप ले लें कि उसके, या दो तीन मकई आप ले लें कि उसके दाने जब आप निकाले तो वो एक कप हो जाए, राइट। तो उतना आप मकई ले लें। चीज आप ले सकते हैं सिल्वा डेल्स का जो टेस्टी चीज है वो आप ले सकते हैं, तो उसको जब आप ग्रेट करोगे तो वो आधा कप हो जाना चाहिए, राइट। ग्रेट करने के बाद में वो आधा कप हो जाना चाहिए, तो उतना चीज होना चाहिए। काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून आप ले सकते हैं, स्वाद अनुसार आप नमक ले सकते हैं, मिर्ची अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, ड्राइड मिर्ची ले सकते हैं या नॉर्मल मिर्ची आप पीस सकते हैं उसको, अदरक गार्लिक जो भी आप, लहसुन वगैरह छोड़ना चाहें अपनी तरफ से टेस्ट के लिए, टेस्ट को और बढ़ाने के लिए तो आप वो डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। वो अपनी मर्जी है कि आप कितना डालना चाहते हैं। थोड़ा सा तेल लेना है आपको क्योंकि फ्राई करना है हमको, राइट, तो तेल तो लगेगा ही लगेगा। और साथ ही में आटा, आटा आपको 4 टेबलस्पून लेना है, कोई भी आटा चलेगा, जिस आटे की नॉर्मल आप रोटी बनाते हो वो आटा आप ले सकते हो। अच्छा, कैसे पकाना है ये आपको सुनना है। सबसे पहले आलू को बॉईल करना है, जिस बर्तन में आप आलू बॉईल कर रहे हैं उसी बर्तन में आप मकई डाल दें, मकई और आलू साथ साथ बॉईल हो, साथ साथ पके। प्रेशर कुकर भी आप कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो आलू और मकई अलग अलग बॉईल कर सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जब ये दोनों बॉईल हो जाए तो आप क्या करें, आलू को छील लेना है, आलू को मैश कर लेना है। छीलने के बाद में आलू को मैश कर लेना है और मकई के जो दाने हैं वो निकाल लेने हैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि जब ये ठंडे हो जाए तब आप ऐसा करें, गर्मा गर्म ना करें क्योंकि आपका हाथ जो है वो जल सकता है और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। और अच्छी तरह से ड्रेन कर देना है क्योंकि इसमें आलू में तो डेफिनेटली पानी नहीं रहेगा लेकिन मकई में पानी नहीं होना चाहिए, तो उसको निकाल के आप थोड़ी देर के लिए बगल रख दें, थोड़ी देर बाद तब फिर आप इसको, इसके दाने जो है वो निकालना शुरू करें, राइट। अब क्या करना है, एक पैन जो है वो ले ले, उसमें आलू जो है वो मैश कर दें। मकई का क्या करना है आपको, मकई का आपको मकई आप ग्रेट करना चाहे तो आप, नहीं ग्रेट नहीं सॉरी, फूड प्रोसेसर में डाल के या ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लें, छोटे छोटे पीसेस उसके आप कर लें तो उससे और ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं, राइट। आप एक अलग बर्तन में आप मकई के दाने जो है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट मकई के दाने जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो खड़ा खड़ा सा मुंह में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, लेकिन अगर आप चाहते हैं वैसा खाना तभी आप वैसा करें, और अगर नहीं चाहते हो तो आप उसको ग्राइंडर में डाल के या मिक्सी में डाल के उसके पाउडर जैसा बना ले, एकदम खुरदरा रखें, एकदम नहीं फाइन पाउडर बनाना है, बस थोड़ा सा ऐसे खुरदरा खुरदरा रखें, ठीक है। तो मकई मकई लगना चाहिए ना कि आप मकई खा रहे हो। अच्छा, अब एक बर्तन में ये मकई जो है वो निकाल ले, इसमें जो चीज आपने ग्रेट करके रखा वो और जो सारे बाकी चीजें मैंने बताई थी, मसाले और लहसुन और पेपा और क्या क्या वो सारे डाल दें। अगर आप इसमें धनिया की पत्ती भी डालना चाहते हैं थोड़ा सा अलग इंडियन टेस्ट देने के लिए, तो और भी स्वादिष्ट करने के लिए, तो वो भी आप डाल सकते हो, राइट। अब क्या करना है, सॉल्ट भी मिलाना है, लेकिन सॉल्ट मिलाने के टाइम पे बहुत ख्याल रखें क्योंकि चीज में ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो हम नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा नमक हो जाए और आप खाएं तो आपको अच्छा नहीं लगे ना, तो प्लीज इस बात का बहुत ख्याल रखें। अच्छा, अब आपको क्या करना है, सब कुछ आपने कर लिया, अब इसको मिलाए, ठीक है। अब इसको मिलाए, आलू मिलाने के बाद में, मिक्स करने के बाद में आलू में इसको डाल दें, आलू में डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करें, राइट। बहुत ही अच्छे से मिक्स करें कि आलू में पूरी तरह से ये मिक्स हो जाए, टेस्ट करके आप देख भी सकते हैं नमक वगैरह ठीक है कि नहीं, तीखा है कि नहीं, ये सब आप टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी पका हुआ है, इधर आपका मकई भी पका हुआ है, ठीक है। तो आप चेक कर लें इसको पकाने से पहले, फिर इसके छोटे छोटे राउंड राउंड बॉल्स जो है लड्डू की तरह आप बनाएं, ठीक है। आप कैसा चाहते हैं वैसा चाहते हैं, या फिर आप इसको हाथों से दबा दें बॉल्स बना के, वो फ्लैट वाला चाहिए कि गोल गोल चाहिए, वो आपके ऊपर है, राइट। अब क्या करना है, आपको तेल गरम करना है और बस इसको आपको
ट्राई करना है। अगर आप इसमें कुछ अलग टेस्ट और अलग टेक्सचर चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है आप ब्रेड क्रम्स ले लें, राइट, ब्रेड क्रम्स ले लें और इसको जैसे ही आप यहाँ पर इसको गोल गोल बनाते हैं, ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर दें और फिर उसको आप फ्राई करें, तो वो तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा खाने में। तो अगर आप चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आप ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। जब गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए बस आप उसको निकाल लें। सभी को ऐसे ही फ्राई करना है और सभी एक साथ ही में कढ़ाई में नहीं डाल देना है। सभी एक साथ ही में कढ़ाई में डालेंगे तो वो अच्छी तरह से सभी तरफ उलट नहीं पाएगा और पकेगा नहीं, है ना। तो आपको करना ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में डालना है और बस फ्राई कर लेना है। फ्राई हो जाए गोल्डन ब्राउन कलर का, निकाल लें, किचन पेपर पे रख लें और फिर उसको सॉस के साथ साथ में या फिर किसी चटनी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आप ट्राई करें। आपके लिए ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी हम लेकर आ रहे थे रेडियो सरगम पर और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को जरूर बनाएंगे।